हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए क्लास दसवें के साइंस के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो अभी आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, साइंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो अवतल दर्पण। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? तो दोस्तों एफ इजक्वल टू आर बटा टू। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में किस माध्यम का अपरवर्तनांक अधिक है? तो किस माध्यम का अपरवर्तनांक अधिक है? तो हीरा का। चौथा प्रश्न कहता है दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है तो कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न कहता है दोस्तों, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म के से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कौन है वो? तो लाल है। तो छठा प्रश्न कहता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? तो किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। सातवां प्रश्न कहता है दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोधक निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब इनमें सभी पर। आठवां प्रश्न कहता है दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो कौन सा एसआई मात्रक होता है विद्युत शक्ति का? तो वाट। और यहाँ पे नौ प्रश्न कहता है दोस्तों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो इसका उत्तर होगा 3.6 × 10^6 J। और यहाँ पर दसवां प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ग्यारहवां प्रश्न कहता है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इसका उत्तर होगा सी नंबर। बारहवां प्रश्न है दोस्तों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तेरहवां प्रश्न कहता है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा की स्रोत निम्न में कौन सा है? तो कौन सा है? तो यूरेनियम। चौदहवां प्रश्न है दोस्तों, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो क्या है? तो CaO। पंद्रहवां प्रश्न कहता है दोस्तों, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कौन सा गैस मुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। सोलहवां प्रश्न है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो कौन सा है? तो NaHCO3। सत्रहवां प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो कौन पदार्थ है? तो अम्ल है। वो कौन पदार्थ है? तो अम्ल। अठारहवां प्रश्न है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है तो 10.5। उन्नीसवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो कौन है? तो ब्रोमीन। बीसवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका उत्तर होगा Na। इक्कीसवां प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन परमाणु के वाहक कक्षा में इलेक्ट्रॉनिन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 6 होती है। बाईसवां प्रश्न है दोस्तों, ब्यूटेनान एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्यायात्मक समूह है? तो क्या है? तो कीटोन। तेईसवां प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं? तो कितने बनते हैं? तो
क्रिया बंध बनते हैं, मतलब तीन। चौबीसवा प्रश्न है दोस्तों, एक एल्किन का सामान्य सूत्र है तो क्या है, तो सी एन एस टू एन। पच्चीसवा प्रश्न दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारण में आवर्तों की संख्या है तो कितनी है, तो सात है। छब्बीसवा प्रश्न कहता है दोस्तों, समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्यों परिवर्तन होता है, तो क्यों परिवर्तन होता है, क्योंकि परमाणु साइज बढ़ता है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे सत्ताईसवा प्रश्न कहता है दोस्तों, कौन सा एंजाइम इम्लेस्कित वसा का पाचन करता है, तो कौन है, तो इसका उत्तर होगा लाइपेज। अट्ठाईसवा प्रश्न कहता है दोस्तों, सामान्य प्रचून रक्त रक्त दाब होता है तो कौन सा होता है, सामान्य प्रचून रक्त दाब होता है तो कितना होता है, तो 120 mm। उनतीसवा प्रश्न दोस्तों, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो किसके द्वारा भेजा जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम द्वारा। तीसवा प्रश्न दोस्तों, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा है, जो गुलाब है। इकतीसवा प्रश्न कहता है दोस्तों, कालाजार बिजरी किस रोगजनक में कारण होता है, तो कौन है दोस्तों, कौन रोग है, तो रोग है लेशमानिया। बत्तीसवा प्रश्न है दोस्तों, बत्तीसवा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा द्विलिंग पुष्प है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गुलाब पुष्प। तैतीसवा प्रश्न है दोस्तों, मानव में ग्रहण ग्राही स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है, तो दोस्तों नाकों में, कहा तो नाकों में। चौतीसवा प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर की सभी हमारे सभी हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित तो होती है, तो कहाँ से नियंत्रित होती है, तो दोस्तों मेडुला से, ब्रेन का एक भाग है मेडुला से, वहीं से होता है। पैंतीसवा प्रश्न है दोस्तों, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित तो होता है, तो किससे स्रावित होता है, तो ऑटो ग्रंथि से। छत्तीसवा प्रश्न दोस्तों, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने प्रतिपादित किया। छत्तीसवा प्रश्न दोस्तों, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, तो कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक्स एक्स। अड़तीसवा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन जैव निमिकरणीय कचरा है, तो कौन है, तो टिश्यू पेपर। उनचालीसवा प्रश्न है दोस्तों, आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो किस राज्य की है, तो बिहार की। और ये अंतिम प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का प्रवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा पुनः चक्रण। फ्रेंड्स, इतने पे ही वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी बटन को दबाए ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें उनके पास जो अभी क्लास 10वें में है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।